भाई साहब आज का डे है सेकंड। और देखिए मेरे चेहरे की हालत, देखिए मेरी हालत देखिए। और ये देखिए अभी मैंने मंगाया ये सेव की भाजी है, दूध वाली सेव की भाजी है। मैं अभी तो लद्दाख आने का बाकी, कश्मीर आने का बाकी, अभी तो बहुत धमाल होने वाली है। भाई साहब ये जो किशनगंज है ना, ये किशनगंज से मैं जैसे वैसे निकला हूँ यार, और यहाँ पर तो इतनी भयानक हीट लग रही है तो क्या बोलूँ। ये सब वही फैक्ट्री है दोस्तों, ग्रेनाइट मार्बल। तो ये पत्थरों की वजह से यार ज़्यादा हीट बढ़ गई है शायद इधर। और देखिए पेड़ कितने कम है, जगह तो बहुत सारी लेकिन पेड़ बहुत कम है। रास्ता तो अच्छा बनाया है, चौड़ा बनाया है, दिक्कत नहीं जाने देने के लिए, लेकिन बात ये हो रही है अभी बहुत भीड़ लग रही है यार अंदर से, क्या बोलेंगे। अभी खतरनाक ही काम करो यार, शुरू आती। हाँ एकदम खतरनाक भीड़ हो रही है यार। चलो अब कई बार खाना खाने के लिए उठते हैं, ढाबा भी बहुत उठते हैं, और फिर मैं आपसे बातें करता हूँ दोस्तों। क्योंकि अब देखिए दोपहर का टाइम है, 2:15 बज चुके हैं, बहुत ही भयानक सी भीड़ सी हो रही है रास्तों पर, लू लग रही है मुझे, डायरेक्ट लू, खतरनाक लू लग रही है अभी। तो आगे जाकर के ढाबा देखना है अपने को, और फिर ढाबे के पास में रुक जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर आगे निकलते हैं यार थोड़ा सा रुक कर, तब तक कि थोड़ी सी हीट भी कम हो जाएगी, है ना। और आज का जो अपना टारगेट है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हिसार ये आज का अपना टारगेट है, हिसार या हिसार के आसपास। अरे बाप रे भाई, यहाँ पर इतनी हीट क्यों भैया। अरे यार राजस्थान की हीट और मध्य प्रदेश की हीट बहुत ही खतरनाक है। सुरसुरा जिला अजमेर, सालेमाबाद रोड, सुरसुरा। भाई साहब यार कहीं धूमता हो गया। तो भाई साहब आज का डे है सेकंड, और देखिए मेरे चेहरे की हालत, देखिए मेरी हालत देखिए। हाँ 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 बहुत खतरनाक हालत हो चुकी है। और ये मैं अब ढाबे पे खाना खाने के लिए बैठा हूँ। ये देखिए ये पीछे ये काउंटर है, ऐसा छोटा सा ट्रक, ढाबे ट्रक खड़ी है यहाँ पर। हाँ और ये देखिए अभी मैंने मंगाया ये सेव की भाजी है, दूध वाली सेव की भाजी है। ये प्याज, खीरा, उसके बाद में नींबू और 2 हरी मिर्ची फ्राई की हुई, और ये रोटी। ये सब मैं यहाँ पर एकदम सिंपल सा खाना खा रहा हूँ, जो मिला वो खा ले रहा हूँ। तो लगे रहेगा भाई मेरे साथ में, अभी तो लद्दाख खाने का बाकी, कश्मीर आने का बाकी, अभी तो बहुत धमाल होने वाली है। चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी दोपहर के 3:15 बजे है, और राजस्थान की गर्मी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि भाई राजस्थान की गर्मी क्या है। खाना बिना खाकर हम 3:15 बजे रास्ते पर लग चुके हैं, और यहाँ से जो है तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों, कम से कम 5-5.5 घंटे का डिस्टेंस दिख रहा है। 3.5 किलोमीटर यहाँ से हिसार दिखा रहा है। मैंने तो टारगेट हिसार रखा है मतलब, लेकिन अब देखिए 3:15 बज रहे हैं और 5 घंटे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा मुझे, 5 और 3 8 मतलब 8:30-9 बज जाएंगे। तो भाई मुझे ना अभी आज के जैसा ही करना पड़ेगा मुझे अभी, हालांकि आज के जैसा मतलब जैसे कि भाई जो हिसार है, हिसार से पहले अगर कुछ ढाबा वगैरह अच्छा सा दिख गया तो मैं वहाँ पर रुक लूँगा, उनसे पूछ लूँगा, बात कर लूँगा पहले। लेकिन भाई वो जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी सब मुझे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और तब जाकर वहाँ पर रुकूँगा। नहीं तो फिर ज़बरदस्ती में वहाँ पर रुकूँ और फिर वहाँ पर वो सब बकवास बातें हो जाए, भाई ये भी अच्छा नहीं लगता मुझे, है ना दोस्तों। तो चलिए अब देखिए मैं सफ़र को पास कर लूँगा, सफ़र तो मेरा स्टार्ट हो गया है। आपको तो मेरे साथ में बहुत सारे नज़ारे और देखने हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तो ये तो शुरुआत है, ये तो सिर्फ वहाँ तक जाने का जो है मेरा क्या क्या हो रहा है, मैं कैसे कैसे रह रहा हूँ, ये आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। और हाँ कल का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा हो गया था, और अंधेरे में शूटिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था,
मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, कोई वीडियो पकड़ कोई कैमरे पकड़ने वाला नहीं था, और मेरे लाइट्स वगैरह जो थे सब पैकिंग में थे। और दोस्तों मैं इतना थक भी गया था ना कि भाई चलो कब सो और कब नहीं, ऐसा हो गया था मुझे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए डायरेक्ट आराम से सो लिया, टेंट वगैरह लगाया, वीडियो क्लोज कर दिया और सो गया दोस्तों। वैसे तो आपको अंदर का नज़ारा मैंने दिखा दिया था, छोटा सा टूर दे दिया था, बस यही है अपनी लाइफ। कल के मेरे समझ लेना तुम, हज़ार तो हज़ार से लेकर 1200 तक मेरे बच गए, ऐसा तुम समझ के चलना। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है होटल और रेस्टोरेंट के रेट्स थोड़े से स्ट्रांग ही है, तो इसकी वजह से बस हो गया, खाना भी हो गया और बस आराम से सो लिया अपन ने टेंट डाल के। हाँ एक बात है ज़रूर, उसके लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो फिर, और हाँ अगर मैं होटल भी करता ना, रूम भी कर लेता, मैं अगर रूम भी करता तो मुझे तो वही भाई मेरा जो बोरिया बिस्तर, जो एक्स्ट्रा लगेज है, एक्स्ट्रा सामान है, वो चढ़ाना उतरना तो मुझे करना ही पड़ता दोस्तों। तो इसलिए कुछ मतलब ये कुछ नया किया मैंने ऐसे कुछ बात नहीं है, मुझे सिर्फ डिस्टेंस कवर करना है और फिर वहाँ पर जाकर जो वहाँ का लद्दाख का जो आनंद है वो उठाना है और आपको भी डिजिटली दिखाना है सब, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि बातें करते करते तो स्पीड नहीं बढ़ पाता है मेरा। सांगरिया पर्वत सर, रतनगढ़, हनुमानगढ़, बठिंडा, बठिंडा भी लगने वाला है भाई। बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर है, मंदिर शायद मंदिर है, लेकिन बेहतरीन बनाया, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ पर आज फिलहाल। बंजर जमीन, इसलिए बंजर जमीन यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो बंजर जमीन है, थोड़ा बहुत वहाँ पर पानी भी डाल के जैसे वैसे खेत उगा दिया होंगे, खतरनाक काम है, खेती करना तकलीफ पड़े काम है इधर। ये देखिए इतना बड़ा फ्लैट वैसे ही पड़ा है, बरसात में थोड़ी बहुत खेती आ जाती है। रेतीले मैदान, सब रेती रेत है आज बस, रेत की जो लू आ रही ना वो तो भाई पूछो ही मत। शाम के अभी 5 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी भैया लू आना बंद नहीं हो रहा है। हवाओं के साथ में ये गर्मी के थपेड़ बहुत ज़ोरों से लग रहे हैं, मेरे आवाज़ से आपको पता चलता होगा भैया कि मैं थपेड़ों को कैसे झेलता हूँ। दिल्ली दोस्तों 350 किलोमीटर दूर है अभी, मतलब दिल्ली भी पास में ही है अभी, लेकिन हमको दिल्ली जाना ही नहीं ना भाई साहब, ऐसा हम जाएंगे सीधा हिसार। आज का मेरा टारगेट लॉक है हिसार, हम अगर कंटिन्यू चलेंगे अभी 7:30, अभी देखो 5 बज गए ना, और 2.5 घंटे में तो अंधेरा छा जाएगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक, तो 8 बजे तक देखते हैं। मज़ा आ रहा है ना, उतनी हालत खराब हो रही है। राजस्थान यार तुमने बहुत गर्म
के गांव में से निकाला है। अरे भाई साहब, राजस्थान के गांव से हमको निकाला है गूगल माता ने। देखिए बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, ये ऐसे तंग गलियों से गांव होते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्वच्छ और सुंदर गांव है दोस्तों, बहुत बढ़िया। रास्ते भी कितने स्वच्छ है एकदम, गाँव ही बढ़िया है एकदम। गूगल ने हमको इतना गांव से होते हुए क्यों निकाला है पता नहीं यार, सीधे सीधे हाईवे से यार आना चाहिए था ना, अब तो बहुत दूर रहते यार। गूगल के भरोसे पर हो तो तुमको ये सब झेलना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो अब आवाज आएगा आपको, हम सीकर सिटी के बाहर से चल रहे हैं दोस्तों। ये सीकर सिटी पास करवाती है, फिर भी हमको जम्मू कश्मीर के लिए 850 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों, ये अपने गूगल माता के मैप पर। ये जो लोग हैं ये बहुत ही बदतमीज तरीके से बाइक चला रहे हैं और या तो फिर कार चला रहे। इतनी बड़ी कार है, जल्दी जल्दी निकालो ना यार, काय को ट्रैफिक जाम करो रहे, 30-40 की स्पीड से क्यों चल रहे, उतनी तो मेरी बाइक भी नहीं चलती आजकल। तो ऐसी बात है दोस्तों, शाम के लगभग अभी 6:15 बज चुके हैं, हम अभी और एक से लेकर 1.5 घंटा तक चलेंगे, क्योंकि अभी जल्दी से जल्दी ये सूरज चाचू ढलने लग गया है। अभी दिन भर तो यार राजस्थान की हीट ने मुझे मरवा दिया है, तो बहुत आज जाम हो चुका हूँ मैं। ये मामू को जरा मैं हटा देता हूँ पहले, ये मामू गाड़ी चला रहा है, मजाक कर रहा है। खैर, तो बहुत ही मतलब आज तो कुछ थका भिका नहीं हूँ मैं, लेकिन एक बात है दोस्तों कि आज जो ये थी ना हीट, तो हीट की वजह से राजस्थान की हीट जो बहुत ज़्यादा है यार, मैंने अभी महसूस किया उसको, राजस्थान की हीट को बहुत तकलीफ दी यार, बहुत ख़तरनाक हीट होती है, ऐसा है। चलिए, मैंने अभी स्पीड बढ़ा दिया है, जितना हो सके उतना कवर करेंगे और फिर कल ही की तरह आज भी एक हाथ ढाबा ढूंढ लेंगे, और ढाबा ढूंढने के बाद में मस्त से अपना जो है बोरे बिस्तर उतार लेंगे और अपना जो है टेंट लगवा देंगे वहाँ पर। ओके दोस्तों, चलिए अभी मिलते हैं, और अगर रास्ते पर कुछ अच्छा सा दिखा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। दोस्तों देखिए, ये जो है यहाँ पर कुछ मेले के जैसा ये लगा हुआ है, रेत के टीले पर लोग जा रहे हैं, ऊपर थोड़े थोड़े छोटे छोटे बच्चों का कुछ खिलौना वगैरह रखा है, ऊँट भी रंगी बिरंगी यहाँ पर सजा के रखे हैं। वाह यार, और जाने आने के लिए रेत के टीलों पर आपको चढ़ना होगा, वहाँ पर कुछ स्पेशल ऐसी फैसिलिटी नहीं है। वाह यार, क्या कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया, दुबई स्टाइल रेस्टोरेंट। खैर, मैं अब ऐसा सोच रहा हूँ भैया कि यहीं कहीं पर एक कैंप लगा दो यार, लगा भी तो कहाँ पर लगा, ये समझ में नहीं आ रहा। चलो और थोड़ा सा आगे चलते हैं। यार दोस्तों देखिए, अब हम यहाँ पर होटल पर रुके हैं, और ये ऐसा राजस्थान का बिहड एरिया है, यहाँ पर ये गौ माता आती है बैठती है। ये देखिए आप, ट्रक का ढाबा यहाँ पर भी। अभी रात के लगभग 8:30 बज चुके हैं, ये ढाबा है, ये ढाबे पे मेरी यही सी गाड़ी लगा दी है मैंने, ये देखिए ये इस तरीके से। और फिर अभी यहाँ पर मेरा बुरे बिस्तर उतारूँगा और बस यहीं पर सो जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं। ये देखिए कितनी, ये राजस्थान की यार ये रेत है ना, ये बहुत तकलीफ दे रही है यार, ये आँखों में जा रही है, मुँह में जा रही है यार, बहुत डेंजर काम है इसका। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अभी ना अपना टेंट लगाते हैं और टेंट के अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ अभी, क्योंकि लगाते वक्त इतना शूटिंग करना यार मुश्किल हो जाएगा मेरे को, तो डायरेक्ट। To the city streets, we began to feel the fire.